إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله आज 18 अप्रैल 2021 की कुरान क्लास नंबर 76 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है आज इनशा ताला हम सूरत की आयत नंबर सिक्सटी सिक्स से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे टॉपिक वही मुनाफ़ी का चल रहा है और सूरत के स्टार्ट में भी मैंने अर्ज़ किया था कि सूरत का जो मेजर पोर्शन है वो मुनाफीन को एड्रेस करता है और साथ ही साथ जो माशरे के पिसे हुए लोग हैं औरतें ग़ुलाम बच्चे उनके हुकूक के ऊपर भी ये सूरत आ, सबसे ज़्यादा एड्रेस करने वाली सूरतों में एक सूरत ये है ये दो मरक़ी उसके टॉपिक है चूँकि मदनी सूरत है तो मदीने में सबसे बड़ी आज़माश जो है वो मुनाफकिन वाली थी और जब मदीने में रियासत कायम हो गई उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि माशरे में जो कमज़ोर तबक़ात हैं उनके हकूक़ के ऊपर बात की जाए और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट औरतें हैं बच्चे हैं और ग़ुलाम इसीलिए सूरत का नाम भी सूरत निसा है अबीम अन्ना कतबना ना और अगर हम इनके ऊपर ये बात फ़र्ज़ कर देते शरीयत के तौर पर अनेकलुअनफ सकुम के अपने आप को कत्ल करो या अपनों को कत्ल करो ये इशारा हो रहा है बनी इसराइल की हिस्ट्री में एक बड़े वाक़ की तरफ कि जब हज़रत सलाम कोह तूर पर गए तो पीछे तकरीबन सत्तर हज़ार इसराइली जो कि मुसलमान थे हज़रत मूसी सलाम के अबाब भी थे वक्त के पैगंबर की मौजूदगी में यानी हारून सलाम की मौजूदगी में सिर्फ हजरत मूसम के कोहे तूर पे जाने की एक छोटी सी दूरी की वजह से वो लोग शिर्क के अंदर मुबतला हुए और उन्होंने बछड़े के बारे में जो है वो उसको अपना खुदा मान लिया डिविनिटी क्लेम कर दी सामरी जादूगर वाला वाक़या है यूट्यूब के ऊपर मेरी अलग से इस पर वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है तो उसकी सज़ा में फिर सत्तर हज़ार शेह यहूदी जो थे वो एक दिन में कत्ल किए गए थे कतल मर्तद की सज़ा जिसका जिक्र सूरतबकर में मौजूद है सूर कस के अंदर सूर तहा के अंदर सूरत अराफ़ में ये वो सूरतें जहाँ पर डिटेल हिस्ट्री आई है बनी इसराइल की और वहाँ पर फिर कहा गया था अपनों को कत्ल करो यानी हर कबीले के लोग अपने कबीले के उन लोगों को कत्ल करें जिन्होंने उस बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी क्योंकि अगर दूसरा कबीला करता तो वो एक कबायली तसब सामने आ सकता था तो अल्लाह ताला उस चीज़ की तरफ़ इशारा करते हुए कह रहे हैं मुनाफकिन को क्योंकि मुनाफकीन यहूदी ही थे जिन्होंने ऊपर से कलमा पढ़ा हुआ था तो उन्हीं की तरफ रूए सुखन है कि अगर तुम लोग जो बड़े वफादारी दिखाते हो हमारे नबी सली वम के साथ दावेदार हो और अंदर से इस्लाम की जड़ें काट रहे हो अगर तुम पे ये इम्तिहान आता कि तुम अपनों को कत्ल करो अविख रुजू मिन दियारिकुम या फिर तुम अल्लाह के लिए अपने घर बार को छोड़ो आ, कहते तो है वो अपने आप को इब्राहिमी, लेकिन इब्राहीमसम ने तो हिजरत की थी अल्लाह के लिए तो अगर तुम पे भी हिजरत फ़र्ज की जाती या ये इम्तिहान तुम पे आता कि तुम्हें अपने लोगों को कत्ल करना पड़ता तो फिर क्या होता मा फाय अल्ला منهم तो बहुत कम ही लोग हैं जो अल्लाह के इस हुक्म को पूरा कर सकते चंद कली लोगों के सिवा सब के सब लोग जो है इस आजमाइ के अंदर नाकाम हो जाते हैं जिस तरह यहां भी होता है जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है और जैसे ही मुश्किल वक्त आता है तो फिर आप देख लेते हैं कि लोगों की क्या हालत होती है नबी ही और अगर ये वही करते जिनकी इनको नसीहत की जा रही है वही के ज़रिए लकान खैरल व अशद तस्बीता तो ये उनके लिए बेहतर होता और इस तरीके से अगर वो साबित क़दमी वाली रविश इख्तियार करते यही उनके हक़ हाँ के अंदर बेहतर होता लेकिन अगर ये ऐसा होता तो फिर तो उनके लिए होना था व इधर आता ना उद्न् ना आजर अवीमा तो फिर हम इन्हें अपने पास से बहुत बड़ा अजर अता फ़रमाते अगर ये वाकई इखलास के साथ वक्त के पैगम्बर की आवाज़ पर लब्बई कहते अब ये याद रखिएगा ये सब के सब वो लोग हैं जो कानूना मुसलमान हैं अब रसूल हैं लेकिन अंदर से मुनाफिक हैं और इसका जो क्लाइमैक्स है वो सूरह तोबा में जा के आएगा कि किस तरीके से फिर वो फ़र्क ज़ाहिर होना शुरू हो गया कि वो लोग बहाने करके जहाद और किताल से भागना शुरू हो गए वाला दा हम सरातम मुस्तकी माह और अगर ये रविश इख्तियार करते ताब फरमान बन जाते तो अल्लाह तला इन्हें पहुँचा देता सीधे रास्ते की तरफ अब अल्लाह की तरफ से एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है अहल ईमान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है इस आयत मुबारक के अंदर जो सूरत की आयत नंबर सिक्सटी नाइन है मई व रसूल जो कोई भी इतात इख्तियार करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की सिर्फ मोहब्बत का दम ना भरे बल्कि पैरवी करे अल्लाह की और उसके रसूल की अजा वजल वसलम फलाना बस ये लोग फिर क़यामत के दिन उन लोगों में होंगे उनके साथ शुमार किए जाएंगे जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ है इनाम होगा मिनन नबीन जो के अम्बिया में से भी हैं सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट तो इनाम याफ्ता लोग अम्बिया हैं सिद्दीकीन और सिद्दीकीन, ये भी एक टाइटल है यानी अम्बिया के बाद गैर अंबिया के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट जो टाइटल है वो सिद्दीक़ा है व शहदा और शहदा में एक तो शहीद है वो जिसे हम जानते हैं जो अल्लाह के लिए लड़ता हुआ मारा जाए इस्लाम में वो भी शहीद है क्योंकि वो प्रैक्टिकली शहादत दे रहा होता है अपनी जान दे करके जिस नज़रिए का मैं दावेदार हूँ उसके लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ वैसे जो भी शहादत अलन्नास करता है वक्त के पैगम्बर का पैगाम बाकी उम्मियों तक पहुँचाता है वो भी शहीद ही होता है वो शहादत अलन्नास है जिसका जिक्र सूरतलबकर के शुरू में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम तुम पर शहीद हैं और तुम जो है वो बाकियों पर शहीद बनाए गए हो यानी इस्लाम का पैगाम अब पूरी उम्मत तक पहुँचाना यही जिक्र सूरत हज में भी आया इसके ऊपर मैंने तफसीली गुफ्तु भी की थी वसो और जो नेकोकार हैं वह हैसूना का रफ़ीका और क्या ही अच्छे साथी हैं अगर किसी को ये साथी नसीब हो जाए यानी अम्बिया सिद्दीकीन, शहदा और साल इन चारों का साथ अगर किसी को क़्यामत वाले दिन नसीब हो जाए तो ये बहुत बड़ी उसके लिए एज़ाज़ है के सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस है सैदा आयशा कहती हैं सलाम उल्लि जब नबीआल की मौत का वक्त करीब आया तो कहती हैं हमें तो उस वक्त आइडिया नहीं था कि मतलब ये जो कुछ होने जा रहा है तो अल्लाह के नबी सलाम बार बार आसमान की तरफ निगाह उठाते थे और कहते थे कि मुझे यानी अल्लाह ताला नसीब करे साथ रफ़ीक अल आला आला जो रफ़ा है मुझे उनका साथ नसीब कर यही वही रफ़ीका का कैल्फर है तो सईद आयशा कहती हैं कि मैंने उस वक्त मुझे वो बात याद आई जो हज़ूर सल्ला वम के आम दिनों में थी आप क्या करते थे कि अल्लाह ताला किसी नबी को उस वक्त तक मौत नहीं देखता जब तक कि जन्नत में उसे उसका मुक़ाम दिखा ना दे और उसे ये इख्तियार ना दे दे कि चाहे तो वह दुनिया में रहना चाहे तो रहे चाहे वो मौत को अख्तियार करे तो जब नबीम ये बार बार कह रहे थे ना कि अल्ला रफ़ी के आला के साथ मुझे मिला दे, तो हज़रत आयशा कहती है मुझे फ़ौन याद आया कि ये अल्लाह के नबी को इख्तियार दिया जा रहा है और अब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे क्योंकि आप यही दुआ कर रहे हैं कि मुझे मेरे रब के साथ जो नेक लोग हैं उनके साथ मुझे मेरा रब मिला दें और फिर नबीलाम की रूपरवाज़ करके वन्ना महमदा मोहम्मद इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस है स्पेसिफ़िकली सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में कि एक शख्स हाज़िर खिदमत हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अर्ज़ किया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत कब आएगी तो आपने फरमाया तो उन्हें के लिए कोई तैयारी भी की हुई है तो उसने अर्ज़ किया कि तैयारी तो मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है बस मोटा मोटा दीन जो फ़राइज़ है उसमें पाबंदी करता हूँ बहुत ज़्यादा नफली इबादत मेरे पास नहीं है ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोई कोरा था कुछ करता कराते ही नहीं था यानी एक्स्ट्रा इबादतें नहीं हैं बस डेटम लेवल पर जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करता हूँ अलबत अल्लाह और उसके रसूल अजा वजल्स वसम से मैं महब्बत करता हूँ तो आप सल्ला वसलम ने फरमाया कि फिर तुम उसी के साथ हो गए क्यामत वाले दिन जिससे मोहब्बत करते हो यानी अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और खाली खुली मोहब्बत नहीं इतात भी करे इतात के साथ मोहब्बत हजरत अनस अपने मालिक कहते हैं कि इसी हदीस में कि हमें नबी सल्लल्लाहु सल वसल्लम के किसी फरमान से ईमान लाने के बाद इतनी खुशी नहीं हुई जितना हुजूर की इस बात से हुई कि क्यामत वाले दिन जो शख्स दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ मशहूर किया जाएगा उठाया जाएगा उसके साथ होगा उसका साथ उसे नसीब होगा फिर बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं हज़रत अनसिबन मालिक कहते हैं अल्लाह मैं तुझ से तेरे नबी से अबू बकर से और उमर से महब्बत करता हूँ गो मेरे आमाल रसूल्ला वाले नहीं हैं ना अबू बकर और उमर वाले लेकिन मैं फिर भी तुझसे उम्मीद रखता हूं कि मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सईदों अबू बकर उमर का साथ साथियामत वाले दिन नसीब फरमा हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तला हमें क्यामत वाले दिन अपने अम्बिया के साथ उनके अहल बैत के साथ उनके अहाब के साथ मशहूर फरमाए आमीन एक और हदीस इस कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में हदीस है जो इसको बैलेंस करती है कि मोहब्बत नहीं सिर्फ बल्कि इतबा भी चलनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके जिसने इनकार कर दिया तो साहबा ने अर्ज किया कि किसने इनकार कर दिया जन्नत में जाने से या रसूल सल्लाम तो आप सल्ह वाल वसलम ने फरमाया जिसने मेरा हुक्म माना वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया कैसे जबरदस्त अल्फ हैं यानी जिसने नाफरमानी की उसने खुद ही जन्नत में जाने से इनकार कर दिया इस हदीस से पता चला कि की पैरवी भी इख्तियार करनी है और इससे भी बढ़ के जो सूर्यमरान की आय नंबर थर्टी वन हैल्लाउनी लकुम जुनूब है नबी तुम फरमा दो कि बिलफर्स अगर ये दावा करते हैं ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो इनसे कहो कि फिर मेरी पैरवी करो पैरवी खाली इतात नहीं मोहब्बत के साथ इतबा करना पैरवी करना उसको कहते हैं इतबा फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ कर देगा तो यह आयत भी इस बात का सबूत है कि सिर्फ मोहब्बत कुछ नहीं है जब तक कि आप उसके साथ पैरवी इख्तियार ना करें अदरवाइज़ ये खाली खुली मोहब्बत हो दुनिया में भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है अगर कोई शख्स अपने माँ बाप से कहे कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है लेकिन मैंने बात आपकी कोई भी नहीं माननी तो मुझे बताएं इस तरह की मोहब्बत माँ बाप अपनी औलाद की कबूल करने के लिए तैयार है अब हम में से तो अक्सर लोग खुद बाल बच्चेदार हो चुके हैं तो हम तो मेरे ख्याल आप ये बात कर सकते हैं कि हम अपनी उलाहाद की ऐसी मोहब्बत मानने के लिए तैयार हैं जिसमें हमारी बात कोई ना माने ऐसे हो नहीं सकता ये दुनिया का निज़ाम ऐसे चल नहीं सकता तो इस्लाम की पैरवी भी, भी कर सिर्फ मोहब्बत के दावे करना इश्के रसूल के नारे लगाना और इसकी बुनियाद के ऊपर ये समझना कि क्यामत वाले दिन कुछ छुटकारे वाला मामला हो जाएगा तो ये बिल्कुल हमारी एक विशफुल थिंकिंग्स तो हो सकती हैं एक ख्वाहिशात हो सकती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम जो ख्वाहिश कर रहे हैं हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह ने मामला को लेकर चलना है अल्लाह ने तो अपने रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक मामला को लेकर चलना है अब मेरे भाइयों इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये जो इस वक्त मुल्की हालात हैं उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन करूं आपको पता है पिछले दिनों ये 12 अप्रैल 2021 को जो पाकिस्तान में एक उभरती हुई पॉलिटिकल जमात तहरीक लब्बैक टी एल पी तहरीक पाकिस्तान उनके अमीर को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर गिरफ़्तार किया गया साद रिजवी साहब को और उसके बाद आपने तीन चार दिन देखा है कि मुल्क में रियासत और हुकूमत नाम की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम ने इसको रिएक्ट किया और इसके अगेंस्ट जिस तरीके से हुकूमत हुकूमत ने जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने इसको रिस्पॉन्स किया और उसका जो रिज़ल्ट अब हमारे सामने है और अभी आने वाले दिनों में हमें मज़ीद भुगतना पड़ेगा ये हमारे मुल्क के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और आपको पता है जब से ये खाकों वाला सिलसिला शुरू हुआ है 2011 से लेके अभी तक अब तो 2021 चल रहा है अप्रैल का महीना इन 10 सालों में कई दफ़ा ये मामला आए और मैंने मुख्तलिफ अवात में इसके ऊपर डिटेल वीडियोस भी रिकॉर्ड करवाई हैं आप यूट्यूब के ऊपर जाके अगर आप लिखे ना गुस्ताखाना कार्टून के ऊपर काउंटर नेरेटिव तो मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन डेढ़ घंटे में पूरा काउंटर नैरेटिव दिया है सिर्फ जज्बाती तकरीर नहीं की है जिसमें मैंने बताया कि हमारे हुक्मरानों के करने का काम क्या है हमारे उलमा के करने का काम क्या है हमारी अवामोन्नास के करने का काम क्या है फिर कम्बाइंड उम्मत लेवल के ऊपर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरह ओ है जो ओह बनी हुई है उसके करने का काम क्या है ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से रिकॉर्ड करवाई हैं वो मैं उसको रिपीट नहीं करता मैं इस वक्त जो ये सूरत हाल चल रही है इसके ऊपर थोड़ी अपनी गुजारशात रखूँगा वैसे तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्रिटिकल इशू के ऊपर और कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता अब मैं गौरमेंट से और रियाती इदारों से कहूँगा कि वो जो आप पब्लिकली आप लोगों ने लॉन्च किए हुए हैं अब वो किधर हैं कि आके उम्मत को समझाएं कि उम्मत किस तरफ जा रही है कोई भी इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा उसकी वजह है कि भी उस वक्त तक रियासत का साथ देते हैं जब तक उनके अपने मुफादात के ऊपर जर्ब ना पड़े अब पब्लिक डायनामिक्स तो ये है कि अवाम में गुस्सा जो है हुकूमत की इस एक्टिविटी के ख़िलाफ़ है लिहाजा किसी मकद फिक्र का आलम दीन भी इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ा नहीं होगा हाँ ये ज़रूर होगा कि हुकूमत हुँ, के खिलाफ खड़े हो जाएं और वो आपको पार्लियामेंट में तकरीरों से और बाकी जो मकाद में फिक्र उलमा हैं उनकी बातों से अंदाजा हो रहा है कम अज़ कम इससे ये पता चल गया कि जब मुफादात के ऊपर ज़रब पड़ती है तो हमारे उलमा इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं आपने देखा है सारे इकट्ठे हुए हैं तो अब हमारे हुकूमत को प्राइम मिनिस्टर को और रियाती इदारों को भी पता चल जाना चाहिए खैर उनको पहले भी पता है वैसे उन्होंने आँखें बंद की हों तो अलग बात है कि कौन से उलमा हैं जो वाक़ता इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं और अवाम को सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं और कौन से उलमा हैं जो बस सिर्फ अपने वक्ती मफात के लिए कोई ऐसा बयानियाँ दे देते हैं मैं इशारातान बात कर रहा हूँ किसी का नाम नहीं ले रहा फिर लोगों की वो जज्बात वाबस्ता हो जाते हैं लोग फिर उसको बुरा मानते हैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो मेरी वर्डिक्ट है वो ये है कि ये हुकूमत ने जिस तरीके से इस मामले को मिसमैनेज किया है सबसे बड़ा जुर्म हमारी इस मौजूदा हुकूमत का है ये इस तरीके से इस मामले को टैकल करना ही नहीं चाहिए था अभी तो 20 अप्रैल आने में कई दिन बाकी थे एक जस्ट अनाउंसमेंट के ऊपर आप 10 दिन पहले प्रियमटिव राइट को यूज करते हुए कि ये हो गया तो फिर ये हो जाएगा आप एक ऐसी जमात के सरबरा को गिरफ्तार कर लेते हैं कि जो मकतब मकतबिक्र सबसे बड़ा मकतब मकतबिक्र है एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मोहतात अंदाजा भी लगाएं तो सेवेंटी परसेंट से ज्यादा बरेलवी मकतब फिक्र की अवामनास है पाकिस्तान के अंदर और उसमें भी सबसे ज्यादा डायनमिक जो जमात है वह तहरीक लब्बिक है अब मैं ये जो गुफ्तू करने जा रहा हूँ कोई ये ना समझे कि मैं अगर कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो तहरीक लब्बिक के हक में जाती है तो मैं कोई उनके साथ कोई ज़ाती हमदर्दी रखता हूँ मैं तो दुनिया के हर इंसान के साथ हमदर्दी रखता हूँ ट्रुथ लवर होने के नाते सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कोई इफेक्ट ही है ना किसी जमात का तो वो मैं खुद हूँ मुझ पर जो दो दफ़ा मर्डर अटैम्प्टई है एक दफ़ा 28 अक्टूबर 2017 को और अभी रिसेंटली जो 14 मार्च आ, 2021 को ये दोनों अटैम्प्ट जो है वो तरीके लब्बैक से ताल्लुक़ रखने वाले दो बच्चों की तरफ से हुई मैं उनको बच्चे ही समझता हूँ ज़ाहिर मेरे तो अभी फोर्टी थ्री ईयर्स एज है वो बीस साल के तो मेरे बच्चों की मानेद है और मुझे उन पर कोई गुस्सा भी नहीं है गुस्सा उनके ऊपर है कि जो लोग इस तरह के बच्चों को की गलत तरबियत करते हैं ये तो काबिल रहम है तो मैं तो डायरेक्ट इफेक्टिव हूं इस जमात का मैं ये नहीं कहता कि जमात लेवल पर वो लोग लॉन्च हुए हैं लेकिन जमात से ही मुतासरीन थे इसके बावजूद मैं कहूँगा कि हुकूमत ने जिस तरीके से तहरीक लब्बैक के साथ डीलिंग की है ये बिल्कुल गलत तरीका है एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटी परफॉर्म करना और एक खाम खा की एफ आई आर काट के उसके अगेंस्ट आप एक बंदे को गिरफ्तार करते हैं तो ज़हरा उसका रिएक्शन तो आना था और जब रिएक्शन आता है तो आपने फ़ौर ही अपना वज़ू तोड़ दिया और उस जमात को कलदम डिक्लेयर कर लिया तो ये तो आप अपने बयानी की नफ़ी करते हैं एक तरफ आप कहते हैं कि हमने तमाम लोगों को कौमी धारे में पोलिटिकल जमात के तौर पर लेकर आना है नॉन स्टेट एक्टर नहीं होने चाहिए बल्कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें रजिस्टर्ड होनी चाहिए जमतें ताकि कौमी धारे में आएँ जब कोई जमात कौमी धारे में आती है इलेक्शन लड़ती है फिर आप उसे करदम तो भी डिक्लेयर कर देते हैं तो किसी एक जगह तो आप कायम रहे यह दोगली पॉलिसी तो नहीं चल सकती ये स्टेट अपने दुश्मन खुद पैदा कर रही है अपनी गलत एक्टिविटीज की वजह से मुझे बताएं जब बेनजीर भुट्टो की असेसिनेशन हुई थी उस वक्त तीन दिन तक पाकिस्तान में कोई हुकूमत नाम की चीज थी ट्रेनों के डब्बे तक जला दिए गए एटीएम मशीनें लूटी गई रियाती इदारे कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे मुल्क उन्होंने हवाले कर दिया था अवाम के उससे तो बहुत कम यह सिचुएशन हुई है तरीके लब्बैक वालों की तो क्या उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कलदम डिक्लेयर कर दिया गया था नहीं किया था तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को कलदम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं आप आप यानी लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल धारे से निकल कर असला हाथ में उठा लें ये जो चांदे की एक्टिविटीज होगी कि उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया ये तो सारे पॉलिटिकल लीडर्स की मानने वाले भी ये हरकतें कर देते हैं और ये आए दिन इस तरह के वाक़ होते हैं इतनी जल्दी आपने डिसीजन लिया और डिसीजन अनाउंस करने वाले हमारे जो वजी दाखिला साहब हैं उनको शर्म भी नहीं आई है ये वो वजीर दाखिला साहब हैं जो इलेक्शन जब लड़ते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है नबूवत और ये खुद इनकी पुरानी वीडियोस भी अब यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगी लोगों ने दोबारा से अपलोड कर दी है कि जब इसी तरीके लब्बैक के धरने 2017 में चल रहे थे तो उस वक्त यही आके हमें ये भाषण दिया करते थे कि तरीके लब्बैक का साथ दें ख़त्म नबूत के ऊपर हम किसी को इस तरह डाका नहीं मारने देंगे ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने देंगे और आज वही जमात है और आप इनका एटीट्यूड देख लें तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप दोगली पॉलिसी रखें और हम स्टोन एज में तो रह नहीं रहे वो पंजाबी में एक मुहावरा है कि के गल कह दी है तू मनु मुंह काट मैं तू शहरू कटांगी तो आजकल तो इसका अगला वर्जन आ चुका है यानी बात कहती है तू मुझे मुंह से निकाल मैं तुझे शहर बदर करवा दूंगी क्योंकि बात हो अब तो अब तो बात रिकॉर्ड हो जाती है वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है हूं गल कह है तू मनु मुंह का दुनिया तो ही बाहर काट देंगी जाहिर है जी वो लोग तो फिर जन्नत में पहुंचा देते हैं ना दूसरों को तो अब तो कोई शख्स भाग नहीं सकता उसके पुराने बयान उसे हॉन्ट करेंगे डराते रहेंगे कैसे कोई भाग सकता और यहाँ पे हमारे रियाती इदारों को भी चाहिए कि जब वो 2017 में पैसे बांट रहे थे फैज़ाबाद के अंदर उस वक्त उनको कभी ये ख्याल नहीं आया था कि कल को ये इस तरीके से एटीट्यूड हमारे गले भी पड़ सकता है हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि इधारों का ये काम नहीं है और आप देखें उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में ये केस प्रजेंट हुआ और उस अदालत की जो वर्डिक्ट आई जो डिसीजन आया वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो आपको नेट पे अवेलेबल है उस धरने के ऊपर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का था डिसीजन वो उन्होंने कोई जाती डिसीजन नहीं किया था उनके पास जो आईएसआई ने खुद अपनी रिपोर्ट जमा करवाई हुई थी आईबी ने अपनी रिपोर्ट जो जमा करवाई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तहकीकती इदारा नहीं होता बल्कि बाकी इदारे उसको असिस्ट करते हैं और वो उनकी जो मालूम है उसकी रोशनी में डिसीजन देते हैं तो यह फायज ईसा साहब ने अपना डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लिखा था बल्कि उन एजेंसीज की रिपोर्ट्स के ऊपर लिखा था कि इस जो धरने को किस, -किस ने सपोर्ट किया और उसके ऊपर उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि इस तरीके से आप चलें वरना कल के लिए आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और देख लें कोई पहले तो मुसीबत खड़ी होती थी पंद्रह बीस पच्चीस सालों के बाद ये पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है कि यह हिस्ट्री फौरन ही आ जाती है यानी ये आप समझ लें चार साल ही गुजरे हैं और रिजल्ट आपके सामने आ गया जो जो बात उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि मुस्तबिल में ये हो जाएगा वो उससे वर्स्ट फॉर्म में हो गया और अब अगर आप इस तरीके से इन तहरीकों को बैन करेंगे तो ये तो कोई तरीका नहीं है ये बिल्कुल और मैं आपको बताऊं <स्था> अगर अदालतों के ऊपर दबाव ना हुआ किसी रियाती इदारे की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो पहली पेशी पर पे यह फारग हो जाएगी ये पाबंदी जो इन्होंने लगाई है ये बिल्कुल ना हक पाबंदी लगाई है और यह एक्स्ट्रा जुडिशल भी है और गैर आइनी भी है आयन में पूरा तरीका लिखा हुआ है किसी जमात को करदम करने का यह केस पार्लियामेंट में भी नहीं आया और ये इस तरीके से इन्होंने डिसीजन कर दिया और ना ये चलना है और मैं बिल्कुल वार्न कर रहा हूं अपनी तरफ से वार्न नहीं कर रहा एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन ये बता रहा हूं कि अब रियासत जिस मकत फिक्र से पंगा ले रही है ये पंगा वैसा पंगा नहीं है जो बाकी मकादब फिक्र के साथ है आप अगर ये समझते हैं ना कि आपने देबान के साथ पंगा लिया और इसके साथ आप स्टेबल हो गए कुछ अरसे बाद जो लाल मस्जिद में जो एक डिक्टेटर ने बदमाशी की थी और उसकी पादाश में हम कई साल तक खुदकुश हमले भुगतते रहे ये तो अजरब अज और रद्दलफसाद की बरकत से मुल्क में कोई अमन आया और नॉन स्टेट एक्टर्स का जो मामला ये ठप हुआ अल्लाह का शुक्र है तो वो तो एक देवबंदी मकतब फिक्र के लोग थे और वो भी चंद लोग थे उसमें से मेन मेजर पोर्शन तबलीगी जमात का तो आप निकाल दें जो देवबंद में खैर की अलामत है अकीदे का इख्तलाफ हमारा उनके साथ अपनी जगह बहरअल देवबंदी मकब फिक्र में खैर है तबलीगी जमात यह ना होती तो यह पूरा मकब फिक्र ही जो है ना एक सबसे वायलेंट में फिक्र था क्योंकि आपको पता है एटीज के अंदर सुन्नी शिया फसाद में आलाकार में फिक्र बना था तो उनको तो टैकल कर लिया एल तो वैसे ही बहुत थोड़े हैं उनको तो आप छोड़ दें वो किसी खाते में नहीं एहल तशय जो हैं वो भी चूंकि उस एतबार से नॉन वायलेंट नहीं होते उनकी आप देखें इतहादमुसलिमीन की जितनी आपको तनजीमें नजर आएंगी वो शिया की क्योंकि माइनॉरिटी में इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इस तरह के मामला से पीछे रहें पीछे बच गए बरेलवी जो सबसे नॉन वायलेंट मकतबे फिक्र रहा है जिन्होंने कभी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की एज ए मकतबे फिक्र इंडिविजुअल कोई शख्स करता है वो तो दो दफा मैं भी भुगत चुका हूं मर्डर अटैम्प्ट वह एक अलग बात है लेकिन एज ए मकतबे फिक्र यह नॉन वायलेंट है अब ये जो एक्टिविटी इन्होंने परफॉर्म की है टीएलपी पे पाबंदी लगाने वाली इसके बाद ये पूरा मकत फिक्र वायलेंट हो जाएगा और ये आप दिमाग से निकाल दें कि ये सिर्फ टीएलपी के रुकन होंगे नहीं अनडिक्लेयर्ड पूरी बरेलवी मकत फिक्र इनके साथ खड़ा है दौबंदियों के साथ लोग उनके अपने भी खड़े नहीं हुए थे लाल मस्जिद के बाद लेकिन इनके साथ दावत इस्लामी भी खड़ी होगी इलियास कादरी साहब की जमात अनडिक्लेयर्ड खड़ी रहेगी और सबसे बड़े जो उनके इस वक्त मुफ्ती अजम है पाकिस्तान के उनके तंजीम मदारस के हेड मुफ्ती मुनीबरमान साहब उन्होंने तो उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने इसकी मुखालफत की है ये सब के सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे इसलिए कि ये काज अब ऐसी आई है जो यकीन हमारे ईमान का हिस्सा यानी कौन इनकार कर सकता है न मूस रसालत के ऊपर तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार है ये तो हमारे ईमान की बुनियादें हैं तो चूंकि बरेलवी फिक्र ने इस चीज़ को एजेंडे के तौर पर सामने रखा हुआ है लिहाजा अब यह कोई नहीं देखेगा कि उसका ताल्लुक टी एल पी से है या दावत इस्लामी से है या मेन हाजुल कुरान से है या वो नक्शबंदी है या वो कादरी है या वो चिश्ती है या सौरवर्दी है या वो फलां पीर का मुरीद है ये गोल्डे वाली गद्दी के साथ अटैच है या वो जो है वो सियाल शरीफ की गद्दी के साथ अटैच है या वो तोसा शरीफ वालों के साथ अटैच है या वो कोटरी वालों के साथ अटैच है वो सब के सब एक होंगे और इससे खतरनाक बात यह है कि हमारे रियाती इदारों में ज्यादातर तादाद खुद इन्हीं की है क्योंकि वाम जो ही है तो मैं कहता हूं अब प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे आर्मी चीफ और डी जी आई एस आई जो है ना मेहरबानी करके ना अपना खाना जो है ना वो टिफिन में अपने घर से ही लेके आया करें ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मामला बहुत आगे तक क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल का दिमाग खराब होने की देर है जिस तरह आपने देखा पुलिस वालों को इन्होंने कैसे मारा है और वो पुलिस वाले उनके अपने मक फिक्र के ही हैं ज्यादातर तो बरेलवी हैं बेचारे और वो कह रहे हैं यहूदी एजेंट है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कह रहा है यहूदी एजेंट और सर अगर यही प्राइम मिनिस्टर के हाउस के अंदर जो माली है उसके दिमाग में अगर आ गया कि ये मैं जिसके यहां पे ये यह धरंती के साथ ये कांट छांट कर रहा हूं ये यह यहूदी एजेंट है तो वो धरती फिर प्राइम मिनिस्टर के गले पर ही जाके चलेगी अल्लाह ना करे ऐसा हो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंडिविजुअल का चूंकि वो अपने ईमान का हिस्सा समझ रहा होगा ना ये जो मुमताज कादरी वाली एक्टिविटी हुई थी तो वो अपने ईमान का हिस्सा उसे समझता था ना मैं तो किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी के हक में नहीं हूं ना किसी मौलवी की ना किसी रियाती इदारे की एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी इस्लाम में हराम है तो वो जहर अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं हर कोई अपने ईमान का हिस्सा समझता है वो तो वाज हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मुमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज़ ना हो जाऊँ और इसका क्लाइमैक्स सही बुखारी की दूसरी हदीस है जिसमें सईद उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चहलकदमी कर रहे थे और हुजूर हज़ूर इस्लाम ने मोहब्बत से हज़रत उमर का हाथ अपने हाथों में पकड़ा था तो हज़रत उमर भी थोड़े फ्रेंक हो गए और उन्होंने कहा यारसल्लाह इस दुनिया में सबसे बढ़ करना आप मुझे महबूब हैं सवाए मेरी अपनी जान के बिल्कुल सच्ची बात की पहले नंबर पर तो इंसान की अपनी जान ही होती है ना तो नबीलाम ने अच्छा हज़रत उमर ही एक्सपेक्ट कर रहे थे हजूर कहेंगे वाह क्या बात है मैं तेरे बीवी बच्चों से भी बढ़ के तुझे अजीज़ हूँ उधर मैं उम्र बल्कि तेरी जान से भी बढ़ के उनका यार सोल्ला आप मुझे मेरी जान से भी बढ़कर अजीज है तो आपने फरमाया अब उमर तेरा ईमान मुकम्मल हुआ अगर सही दुना उम्र का ईमान मुकम्मल नहीं होता अपनी जान से बढ़कर हजूर सल्लाम से वो मोहब्बत ना करने लग पड़े तो जाहिर हम तो किसी लेवल पर ही नहीं है यह तो एक बुनियादी चीज है तो इसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है यह तो बिल्कुल हमारे ईमान की बुनियाद है बरअल ये जो कुछ यानी जिस तरीके से हुकूमत ये कर रही है मेरा तो ख्याल है कि फ़ौर से पहले जो है वो मुजात की तरफ आना चाहिए और इस पूरे मामले के अंदर कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए जिसमें ना आवाम का नुकसान हो ना रियाती इदारों का और ना हमारे ईमान का पहले नंबर पर तो ईमान है पहले ईमान है फिर पाकिस्तान है क्योंकि ये पाकिस्तान हमने अपने ईमान की बका के लिए लिया था और इनको समझाने की जरूरत है ये कोई बेवकूफ लोग नहीं है कि जिनको आप समझा नहीं सकते और मुझे बताएं कि जब इनके बरेलवी मकब फिक्र के अपने वजीर नूर कादरी साहब वो वजारत मजहबी उमूर संभाले हुए हैं वो सिग्नेचर कर रहे हैं कि जी हम फ्रांस के सफीर को निकाल देंगे वो पार्लियामेंट के जरिए वो जो कुछ करेंगे ये सिग्नेचर करते वक्त उनको ये ख्याल नहीं आया था कि हम पे एफ की तलवार लटक रही है और या ये क्या पॉसिबल है कि फ्रांस के साथ हम इस तरीके से ताल्लुक को तोड़कर पूरी यूरोपियन यूनियन को अपने जब खिलाफ़ कर लेंगे तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा उस वक्त नहीं था इनको पता और अब ये कहते हैं कि जनाब ये हो जाएगा उस वक्त नहीं था पता तो अब दो तहरीक लब्बैक वालों का पलड़ा भारी है इस एतबार से क्योंकि गवर्नमेंट ने नेहद किया हुआ था और गवर्नमेंट अहद नहीं तोड़ सकती कुरान में वाज अल्लाह ने जो टेन कमांडमेंट्स नाजिल किए हैं ना सूरह बनी इसराइल के अंदर उसमें अल्लाह ने एक कमांड इस हवाले से भी बयान की है वा और पूरा करो अहद कोहदा क्या मसऊला बेशक अहद के बारे में तुम्हें क्यामत वाले दिन अकाउंटेबिलिटी होगी अहद पूरा क्यों नहीं किया हती के कि मुस्न्द इमाम अहमद में हदीस है जो मशक़ातलमसाबी में मौजूद है नबी सल्ला वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अहद पूरा नहीं करता उसका कोई दीन ही नहीं है बेदीन है जो अपना अहद पूरा नहीं करता रियासत जब अहद करती है तो उसको अपना अहद पूरा करना होगा इला ये कि वह दूसरी पार्टी को कायल कर ले इस बात पर कि वो दस्बरदार हो जाएँ अपने मुतालबे से धौस और जबरदस्ती कोई सलूशन नहीं है इस तरीके से आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला नहीं दबा सकते अब रह गए फ्रांस के जो सफीर वाला इशू है इसके ऊपर तो मेरी कई एक वीडियोस इन दिनों में दोबारा से लोगों ने अपलोड की हैं। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं मेरे भाइयों के ऑर्गेनाइज तरीके से मामलात को लेकर चले और सफीर अगर आप निकाल भी देंगे तो कब तक फ्रांस की मसनुआत का बाइकाट करेंगे भी तो कब तक मैं इन्हीं से ही पूछता हूं जो बहुत ज़्यादा नारे मार रहे होंगे लोग कि बताएं कि अगर आपकी मां या बच्चा ज़िंदगी मौत की कश्मकश कश्म में हो और एक टीके से उसकी जान बचने वाली हो और मार्केट में आप जाएं और मेडिकल स्टोर वाला कहे कि ये आपके फ़िरके के आजम का बनाया हुआ टीका है और ये फ्रांस के फ्रांस सर्जन की तहकीक़ के बाद बनाए तो ये जो नारे मार है ना वो भी कह मुफ्ती आज़म ना तो सामने पता है छो ए मनु दूसरा टीका दो फ्रांस वाला जाहिर जी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है अस्सी नोबेल प्राइज आ चुके हैं फ्रांस के वो उस लैब के लिए जिस लैब से सबसे पहले वो कुत्ते के काटने की वैक्सीन निकली थी लुई पास्टर लुई पास्टर एक इंसान इतना बड़ा मसीहा पूरी इंसानियत के लिए दो वैक्सीन उसने बनाई एक तो ये वैक्सीन थी कुत्ते की काटने पहले तो लोग कुत्ते काटने से मर जाया करते थे ये रेबीज के ये उस बंदे ने वैक्सीन बनाई थी लाइलाज मर्ज होता था ये पागल कुत्ता काट दे वो इंसान भी पागल हो जाता था कुछ दिनों बाद मर जाता था और दूसरा ये शराब के अंदर ऐसे जरासीम उसके बनाने के दौरान बनते थे जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी तो उसने वो उस प्रोसेस को रिफाइन किया था अब आपने ये नहीं कहना मैं कुछ शराब के हक में बात कर रहा हूं बता रहा और उसने छोटी सी एक लैब कायम की और 80 नोबेल प्राइज सिर्फ उस लैब से आ चुके हैं दुनिया में जितनी बड़ी बीमारियां आती हैं ना सबसे पहले वैक्सीन वो उस बंदे की उस लैब से निकलती है तो मैं ही आपको एक पहलू बता रहा हूँ मैं कोई फ़्रांस के फ़ज़ाइल नहीं आपको सुना रहा और चंदे लेने के लिए फ़ंड्स लेने के लिए हम लोग इनके आगे ही हाथ फैला रहे होते हैं या तो हम इतने मज़बूत हो ना कि हम जो है वो इस दुनिया के अंदर इस तरीके से सरवाइव कर सकें बाकी ये जो किताबी बातें किताबों में रहने दें सहाब कराम की मिसालें देना सहाब कराम वाला पहले ईमान लेकर आए ठीक है उनकी कमिटमेंट ले आए हमारा ये हाल है कि हम इश्क रसूल के नाम के ऊपर अपने भाइयों की गाड़ियां तोड़ देते हैं उनके मोटर बाइक्स को आग लगा देते हैं अपने बैंक लूट लेते हैं आज तक कोई आशके रसूल मैंने नहीं देखा जो वीडियो बनाए और सामने अपनी नई गाड़ी खड़ी करके उसको आग लगाए और कहे के जी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है देखो मैंने ये आग लगा दी लेकिन वो जिसकी गाड़ी तोड़ रहा होता है चाहे वो पुलिस की गाड़ी कोई तोड़े किसी फौजी की गाड़ी तोड़ देता है वो तो अवाम की गाड़ी है अवाम के टैक्स की है और वो एक बंदे के माफ करने से नहीं होगा वो करोड़ों अवाम से माफी मांगनी पड़ेगी ये हुआ का मामला है तो अपना मोटर बाइक और अपनी गाड़ी चला के तो कभी ना किसी ने इश्क रसूल का इजहार नहीं किया ये सब कुछ दूसरों के ऊपर ही होता है तो ये तो कोई एटीट्यूड नहीं है तो हुकूमत को भी होश के नाखों लेने चाहिए जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है ना ये कोई तरीका नहीं है और मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि ये मामला इस एतबार सेटल हो जाएगा वरना अगर कोई समझता है ना कि वक्ती तौर तो पे इनको दबा लेने से इशू एड्रेस हो जाएगा तो सर ये नहीं होना ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर ये मामला आगे बढ़ेंगे वक़ती तौर तो पे आप समझ रहे हैं ना दब जाएगा लेकिन आए दिन आपको ऐसी रिपोर्टें मिलेंगी जब तक कि आप इसको पोलिटिकली हैंडल नहीं करेंगे और मेन स्ट्रीम में ला के जमातों के साथ पार्लियामेंट में इन चीज़ों को डिस्कस करें और लोगों को समझाएं कि वक्ती तौर तो पे हमें ये डिसीजन इस तरह करना की ज़रूरत पड़ रही है एफ की तलवार हम पे लटकी हुई है हम आपके साथ हैं अपने ईमान को मनवाएँ मैं ये नहीं कहता सर्टिफिकेट लें उनसे अपने ईमान का लेकिन कम अज़ कम उनको ये यकीन दिलाएं कि आप मुनाफ्त नहीं कर रहे हैं अब तो वो कहेंगे कि जी आपने लिख के हमसे एक अहद किया और अब आप अहद तोड़ रहे हैं तो ज़ाहिर है कसूरवार तो वो है जिसने गलत अहद किया था अब तोड़ा अब जब किया गया तो फिर आप तरीके लब्बैक को तो कोई ब्लेम नहीं कर सकते तो मैं तो इसमें यानी मेन कसूरवार मौजूदा हुकूमत को समझता हूँ और उसके बाद जो टी एल पी के लोगों ने किया जाहिर है वो बच्चे हैं छोटी उम्र के हैं उनकी जेन साजी इस किस्म की हुई है इस तरह की हरकतें तो वो बाकी लोगों ने भी करनी होती हैं वो करेंगे ज़ाहिर हमने अपनी नेशन को यही तो जज्बात पढ़ाए ये भी रियासत की गलत पॉलिसी थी ना एम क्यू एम का जो अजाब इस हुकूमत पर इस मुल्क के ऊपर मुसलत था वो भी हमारी रियाती पॉलिसी की वजह से था तालिबान वाला जो इशू हुआ और वो जब बिगड़ा वो भी रियासती पॉलिसी था ये भी अब जो कुछ हुआ ये भी रियाती पॉलिसी है तो लिहाजा आप किसी चीज़ को भी डीप डिग करें ना तो रियासती कसूरवार निकल रही होती है इस तरह के तलख रवैयों के अगेंस्ट क्योंकि अवाम तो अरबी में कहा जाता है अवाम का लाम वो तो चौपायों के मानद होते हैं भेड़ बकरियों के मानद आप जिस तरफ उनको चला दें वो चलना शुरू हो जाते हैं तो अगर हम होश के नाखून नहीं लेंगे तो आने वाली नस्लों को एक सेफ मुल्क नहीं दे सकते और मैं सबसे ज्यादा परेशान पता किस बात से होता हूं कि बाहर के मुल्कों में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में हम अपने मुल्क में मुसलमान होकर अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं कि हमें को मुसलमान ही ना काट दे तो जब मुसलमान मुसलमान से डर रहा है तो गैर मुस्लिम इस दीन में क्यों आएगा वो कहेगा मैं तो उधर ही स्कूल से बैठा हूं पहले मैं इस दीन में आऊं और फिर अपनी जान को मैं स्टेक पे लगवा लूं ये जितने एहतजाज होते हैं यहां तो वो मुखालफी अपने भाइयों को इस तरह मार रहे होते हैं कि वो तो इस तरह मार रहे थे पुलिस वालों को जैसे ये खुद फ्रांस के सफीर ही हैं और फिर पुलिस वालों ने भी जिस तरीके से उनको मारा है उन्होंने समझा कि ये कोई इंडियन फौजी हैं जिनको हम मार रहे हैं ये गदार वतन है और मैं इसमें एक बात से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ एक तो ये बात थी कि गैर मुस्लिम क्या इमेज लेंगे दूसरा ये जो चंद एक अनडिक्लेयर्ड किस्म के रियाती इदारों के तर्जुमान बने हुए हैं और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करवा के ये कहते हैं कि जी वो तहरीक लब्बैक को तो इसराइल फ़ंड कर रहा है जी इंडिया फ़ंड कर रहा है लानत है जी ऐसी सोच के ऊपर कि आप अपने मुल्क के लोगों को मुखलिस लोगों को जिनसे मामला मिसमैनेज हुआ आप उनके ऊपर यह इल्जाम लगाएंगे हमें नहीं पता ये लोग कौन है यानी कोई मुरीख से तो नहीं नाजिल हुए हैं हमारे साथ के लोग हैं इवन मैंने आपको पहले भी बताया था खादिम रजवी साहब फोत हो गए अल्लाह तला की मफरत करें उनकी गलतियों से दरगुजर करें उनके उनको नए कामों का अजर दें मैंने उनकी डेथ के ऊपर भी मेरी वीडियो सबसे ज्यादा देखी गई थी मैंने उस वक्त भी बात की थी कि उनके अखलास में कोई शक नहीं है उनकी ज़िंदगी फ़कर में गुजरी है उन्होंने इस तंजीम से कुछ हासिल करके अपने एसेट्स नहीं बनाए हैं दरवेशी की ज़िंदगी उनकी गुजरी है मैं तो उनको पर्सनली भी जानता हूँ मैं तो 94 में एफएससी का जब स्टूडेंट था 1994 में तो हमारे गली की मस्जिद में ही वो आया करते थे महीने में एक दफ़ा और उसी मस्जिद से उन्होंने हिफ़्ज भी किया हुआ है झेलम से ही वो किए हुए हैं ये उनका पीर खाना भी है कालेदेव में उनकी बैत है और उनका इल्मी भी यानी आप समझ लें यहीं से उन्होंने इल्म हासिल किया तो मरते दम तक दरवेशी की ज़िंदगी उनकी रही है उनको इंडिया क्या मैं कहता हूँ जी आप भी जरा फंडिंग लगा के देखें यह भी साथ रिजवी साहब को भी पूरी कोशिश की बाज़ लोगों ने कि पैसे दे के दें तो उनमें बहसीयत इंसान हर इंसान में कोई कमज़ोरी होती है लेकिन इस काज के लिए कोई कमज़ोरी नहीं कहीं पाई जाती लिहाजा ये जो पट्टी पढ़ा रहे हैं ना किसी को जरा से अख्तिलाफ़ के ऊपर इसराइल का एजेंट इंडिया फंड कर रहा है फ्लाँ कर रहा है तो कल को तो सर फिर हमारे हुक्मरान भी अपनी मजबूरियों की वजह से हमारे रियासी इदारे भी अपने फ़ंड बचाने की खातिर या मजबूरियों की वजह से कई मामला में अमेरिका का साथ दे रहे होते हैं और आज कल तो इंडिया का भी दोस्ती का काफ़ी नशा चढ़ा हुआ है बाज़ लोगों को तो हम अपने हुक्मरानों को भी अपने रियासी इदारों के लोगों को भी कहना शुरू कर दें कि जी ये वो, वो, कौम के वसी तर मफाद में नहीं कर रहे बल्कि ये इंडिया के इसराइल के और अमेरिका के एजेंट हैं हम भी वही गाली देना शुरू कर दें इनको जो ये गाली अवाम को दे रहे हैं बाज लोग इनमें से बैठ के और अगर कोई कहता है ना कि ये ये नहीं दे रहे हैं तो इस किस्म के जो बयान देने वाले हैं उनको कंटेम करना चाहिए बाकी हर मामले में ट्वीट्स आ जाती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी हमारे रियाती इदारों की तरफ से भी इस तरह के मामला में भी आनी चाहिए कि जी ठीक है हमारा टी के साथ इख्तलाफ अपनी जगह लेकिन ये मुहिबुल वतन है पाकिस्तानी है और मिसमैनेजमेंट हो गई थोड़ी सी और इन शाह हम इनको टैकल कर लेंगे इस तरीके से चले बजाय कि आप फोन नहीं जनाब फ़ॉर फंडिंग का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे और जो शवायद मिल गए हैं शवायद आज तक आप लोगों की कोई दलील कोर्ट में कभी सबित नहीं हुई और फिर कहते हैं जी वो कोर्ट में पेश करने के काबिल नहीं होते शवायद आप स्टोन एज में रह रहे हैं आज के दौर में तो आप लोगों की वीडियो खुफिया बना सकते हैं फ़ोन कॉल्स टेप कर सकते हैं आज के दौर में ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि कोर्ट में पेश करने के काबिल नहीं था ये सबूत तो सर फिर आपको तो फौरन इन इदारों से हुकूमतों से अलग होना चाहिए कि इस मॉडर्न दौर में भी आप सबूत ना इकट्ठे कर सकें मैं ये नहीं कहता कि मैं इंजीनियर हूं तो मेरे हवाले ये करें मैं आपको यूं करके बताऊं ये भी नहीं मैं कहूंगा वरना लोग कहेंगे ये अपने चक्कर में ड़... वो किसी पढ़े लिखे बंदे के हवाले करें ये दो मिनट में ठीक हो जाएगा प्राइवेटाइज कर दें आप देखेंगे किस तरह मामला सीधे होते हैं तो ये बहाने बिल्कुल ग़लत हैं तो इस हवाले से जितनी मुझे यानी एक बातें करनी थी मैंने आपके सामने रख दी ये चंद एक गुजारशात थी जो मैंने हुकूमत के गोश गुजार करनी थी और अवामन्नास के भी के भी के मामल को अफहमो तफहीम के साथ मोहब्बत के साथ ट्रू स्पिरिट में एक दूसरे से नफ़रत की बजाय को एग्ज़िस्ट करने के जज्बे के साथ इन मामला को सॉल्व करें ताकि हम आने वाले अपने पाकिस्तानियों को एक अमन वाला मुल्क दे सकें इन शह तेरे भाइयों सिक्सटी नाइन नंबर आयत पे हमारी गुफ्तु पहुँची थी कि साथ मिलेगा उन लोगों को जो अल्लाह और उसके रसूल की इतात करने वाले हैं अम्बिया का सिद्दीकीन का शहदा का और सालेहीन का उसके साथ ये अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह, ये है फ़ल अल्लाह की जानब से वक़ा बिल्ला अलीमा, और अल्लाह ताला काफ़ी है जानने वाला यानि ये अल्लाह का फ़ल है लोग कहते हैं जी अल्लाह का बड़ा फजल है जिसके पास ज्यादा कोई दौलत आ जाए है। कहते हैं जी अल्लाह का बड़ा फजल है चाहे आराम से कमाई हो अल्लाह तला कह रहा है कि असल फजल यह है कि क्यामत वाले दिन किसी को अंबिया का शहदा का सिद्दीकीन का सालीन का साथ नसीब हो जाए यादीना आ मनु एहल ईमान खुदू हिजरा होशियार रहो ये आपने देखा होगा कि ये हमारे कैंट के इलाकों में भी ये छोटा सा लिखा होता है खुजू हिज रकुम ये उस स्लोगन आपको जितनी फौजियों की छावनी छाँग, है ना उनके बैजेस के ऊपर ये लिखा होता है यानी हर वक्त चौकन्ने रहो दुश्मन से फन फिरू सुबात इन अविन फिरू जमी चाहे तुम टोलियों की शक्ल में निकलो सब के सब मिलकर निकलो हर सूरत में चाहे अकेले हो कॉन्शियस रहो अपने दुश्मनों के अगेंस्ट ज़ाहिर है कि ये स्पेसिफिकली तो उस वक्त की बात हो रही है जब एक मुसलसल मुसलमानों का एक चूंकि रेवोल्यूशन जारी था हजरत मदीना के बाद और अंदर की साशें भी और बाहर की भी साशें वहाँ इन नई युबा फसाबत कुमसीबा तुम में से बाज ऐसे हैं जो जरूर देर लगाएंगे थोड़ी सी फिर जब उन्हें मुसीबत पहुंचेगी पहुँचेगी कला कदम इज़लम अकुम शहीदा तो वो कहेंगे कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम इनके साथ इस जंग में शामिल नहीं थे यानी जब कभी किसी मुहिम पे आप निकलेंगे तो वो पहले तो वो लेट होने की कोशिश करेंगे कि हम शामिल ना हो और अगर ख़ुदा न खास्ता उस मुहिम के अंदर मुसलमानों को कोई लॉस हुआ तो कहेंगे अल्लाह का शुक्र है हम साथ शामिल नहीं थे और साथ ही अब इनकी दो नंबरी देखें चूंकि दुनियादार लोग है ना जब दूसरी सूरत हाल होगी तो क्या होगी वाला इन असाबकुम मिन अल्लाह और अगर तुम्हें अल्लाह के फजल से माल गनीमत मिले और फतह मिल जाए मवद्दतु या तनी। तो कहेंगे काश हमारे और इनके दरम्यान कोई मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता हमें भी थोड़ा सा मालिक नीमत कोई दुनिया का माल मिल जाता यानी जब नुकसान होगा तो कहेंगे शुक्र है ऐसी नहीं सी जंग गए और जब जंग में फतेह हुई और माले गनीमत मिला तो फिर ये आपके साथ दोस्तियाँ गाँटेंगे कि चलो हम गए तो नहीं इसमें से कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए हमारी दोस्ती काम आ जाए कुम तुम आहुम आफूज़न फौज़न आउीमा काश मैं भी इनके साथ होता तो मुझे भी कामयाबी हासिल हो जाती फल युकातल फ़ी सभी पस चाहिए कि लड़ा करें अल्लाह की राह में यशरून अल हयात यशरून अल हयात दुनिया बिल आखिरा वो लोग जिन्होंने बेच दी है दुनिया की ज़िंदगी आख़रत के एवज़ और इसका क्लाइमेक्स वो सूर्य तोबा में है कि हमने ममिन की जान और माल जन्नत के बदले में ख़रीद लिए तो अल्लाह ताला यहाँ पे साब रसूल को कह रहा है कि जब तुमने दुनिया बेच के आख़रत कमाई है ना तो फिर तुम्हें अल्लाह के रास्ते में कताल करने से कोई चीज़ माने नहीं होनी चाहिए व मई युकिल्फ़ी सबी और जो कोई अल्लाह के राम में कताल करता है फ़ुकतल अव यगलिब, ख्वा वो मारा जाए या गालिब हो जाए यानी चाहे वो शहीद हो जाए चाहे गाजी हो फती ही अजर नौी अन करीब हम उसे बहुत बड़ा अजर देंगे यानी अल्लाह के हजूर अजर पक्का है चाहे कोई शहादत को पहुँचे ख्वा व गी हो ईवन इससे पहले तो यह भी गुजर चुका कि अगर किसी को नेचुरल डेथ भी हुई है ना अल्लाह की राह में तो अल्लाह तला उसे भी शहीद लिखेगा सही मुस्लिम में हदीस है कि अगर कोई शख्स शहादत की तमन्ना के साथ जिंदगी गुजार रहा था तो उसे अपने बिस्तर पर भी मौत आई ना तो वो शहीद लिखा जाएगा और एक और हदीस है सही मुस्लिम की कि जिसके दिल में यह ख्वाहिश ना हो कि वह अल्लाह की राह में मारा जाए तो वह मुनाफ्त की एक शाख पर मरा यानी शहादत की तमन्ना हमारे ईमान का हिस्सा है तभी पता चलेगा ना कि कुछ भी है तेरे महबूब की उम्र से हैं वरना जान दिए बगैर तो नहीं पता चलता व वा ला वातिलू नफी सबीलिल्लाह और तुम्हें क्या हुआ है कि अल्लाह की राम में किताल नहीं करते वल वलमुस्तदी मिन रिजाल जबकि जो लोगों में से पिसा हुआ तबका है जो गैर मुस्लिम इलाके के अंदर यानी मक्के के अंदर ईमान कबूल करने के बाद वहाँ पे पिसे हुए लोग हैं वन और औरतें विलदान और बच्चे जिन पे जुल्म कर रहे हैं मक्के के लोग और तुम मदीने में हो यकूलूना और वो तो ये कह रहे हैं वो मज़लूम लोग दुआ करते हुए रब्बना अखरिजना मिन हाद हिलकर तग वालिमी आहलुहा रब हमारे हम इस हमें इस बस्ती से निकाल दे जहाँ के रहने वाले लोग हैं हम पे जुल्म करने वाले हैं वजाल्लाना मिल्ल का वलिया और हमारे पास अपने पास से हमारे लिए कोई पुशत पना बना दे कोई हमारा मददगार बना दे वजाल्लाना मिल्ल का नसीरा और हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार भेज दे तो अल्लाह तौर साहबा को कह रहा है कि भाई तो तुम्हारे जो साथी हैं मुसलमान जो मक् में पिस रहे हैं वो तो दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह कोई मददगार हमारा भेज अब देखें अल्लाह तारा ने खुद नहीं आके मदद करनी मदद करानी लोगों के जरिए हाँ निगाह मार के कुछ नहीं होना दुनिया ब कदरे ऐट है तो वो मजलूम तो दुआएं कर रहे हैं और तुम कताल से भाग रहे हो जहर इससे मुराद कामिलईमान मोमिन नहीं थे जो महाजिर थे वो तो पक् ईमान वाले थे इससे मुराद न्यू मुस्लिम्स थे जिनमें अभी ईमान उस लेवल का नहीं था या वो लोग थे जो ऊपर से मुसलमान थे तो और दर से मुनाफिक तकरीरें और नारे वो सबसे आगे लगाते थे अब्दुल्लाब ने भई भी जुम्मे वाले दिन आगे पहली साहब में खड़ा हो जाता था लोगो ही अल्लाह के नबी है इनकी बात सुनो ठीक है तो मस्जिद में भी आप खड़पंच देखें कई लोगों को करने का शौक़ होता है लेकिन जैसे ही मुश्किल वक्त आता है ना तो वो फिर भाग जाते हैं ठीक है एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया लेकिन मैं छोड़ता हूँ अल्लाधीन आ जो लोग ईमान लाए युका लू फ़ी सबील वो अल्लाह की राम में कताल करते हैं वलिन काफ़रु और जो कुफर कुफ़्रख्तीारे हुए हैं वो भी कताल कर रहे हैं लेकिन जो नफ़ी सबील तागूत वो तागूत के रास्ते में यानी शैतान के रास्ते पर अल्लाह के मुखालफी के रास्ते पर कर रहे हैं फ़ातिलुलिया अशैतान तो ऐसे जो शैतान के वली हैं देखें ओलिया जो हैं शैतान के भी होते हैं अलिया इसलिए मैं कहता हूं ये औलिया है औलिया उल्लाक तो डेफिनेटली सिर्फ साहबा और एल के बारे में आप कह सकते हैं बाद में तो हो सकता है एक फिर इधर भी आप देख लें एक फिरके का वली दूसरे का मशरक होता है दूसरे का वली इसका गुस्साखे रसूल होता है इन न कई दशकौन इकाइफा बेशक शैतान का फरेब कमज़ोर फरेब है सिर्फ थोड़ी सी दिलेरी दिखाने की जरूरत है शैतान का फ्रेब बड़ा कमजोर होता है और यह देखें वाकई शैतान और उसके पैरोकार उनमें वो पैशन नहीं होता जो अहले ईमान के अंदर होता है ये नेचुरल चीज़ है क्योंकि अहले ईमान को तो आखिरत की उम्मीद होती है ना शैतान के पैरोकार तो अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं कोई अपने कबायली तसब में कर रहा होता है कोई अपनी चौधराट बचाने के लिए कोई अपनी नेशन के लिए कह रहा होता है लेकिन जो अहले ईमान होते हैं ना वो तो कहते हैं मैं मुझे तो मौत चाहिए क्योंकि आगे इससे बेहतर जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है जब यह चीज़ जिसके अंदर होगी ना फिर सर उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती और यही चीज़ थी साहबा के अंदर कि उन्होंने चंद सालों के अंदर रोमन और पर्शियन अंपायर को उखाड़ के रख दिया जब एक शख्स जान बचाने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए मदान जंग में उतरे तो सर वो कोई हिकमत अमली भी जेन में नहीं रखेगा वो तो फिर खालिद खाली की तरह फ्रंट से जाके लीड करेगा जहां पे कोई एक्सपेक्ट भी ना कर रहा हो कि इनका जो है वो फ्रंट पे आ गया वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते तो बंदा तो डर जाता है फिर कि यार ये क्या है और फिर उनके जनाब रोब जनाब दाढ़िया जुल्फे तो फिर आप देखें शक्लें भी बड़ी रोब वाली तो वो अल्लाह तला ने उनका इफेक्ट डाला था ईमान भी था रोब भी था आठ बस सिर्फ गेटअप रह गया हा गेटअप है आप जैकटे पहनी हुई हैं मुजाहिदीन वाली लेकिन हालत यह है कि जैसे ही इधर से चंदा बंद होता है दूसरी जमात में चले जाते हैं बहर इन सारी याद में जहन में रखिएगा इस जिहाद और किताल से मुराद आज का जिहाद और किताल नहीं है जिसमें मुसलमान मुसलमान का गला काटे आज जिहाद और कताल ऑर्गेनाइज तरीके से ही होगा जिस तरह खुलफा राजदीन के तरीके में एक लीडर होता था उसकी इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पे आगे जहाद और कताल होता था तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है अल्लाह है जो हक बात मैंने कही अल्लाह हमारे दिलों में रासिक फ़रमाए अगर जज्बात में मेरे मुँह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह तै हमारे दिलों ही से माफ़ कर दे हमें सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए सुबह अशद खैरा